हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई काफ़ी दिन से ना मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डीएम्स आ रहे थे कि भैया हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए पर्टिकुलरली कोडिंग के लिए। ठीक है, तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कॉलेज के अंदर जो भी सारे काम करने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैटलैब चलाना होता है, सिम्यूलिंक चलाना होता है और बाकी सारी चीज़ें जो आपको कॉलेज के अंदर करनी होती हैं, उनके लिए आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, या फिर मैं आपको पूरी लैपटॉप बाइंग गाइड दे दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा जो भी आप लैपटॉप खरीदने वाले हैं उसमें कितने स्पेक्स होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए और मेमोरी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर भाई बता दूंगा। एंड भाई साथ में आपको मैं कुछ लैपटॉप सजेस्ट भी कर दूंगा हर बजट रेंज के लिए। ठीक है, तो फिर आपको अगर लैपटॉप लेना है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए ना, तो भाई कोडिंग तो आप किसी भी लैपटॉप के अंदर कर सकते हो। ठीक है, आपका चाहे कितना भी पुराना से पुराना लैपटॉप हो, आपका कोई 25,000 वाला लैपटॉप ले लोगे या 25-30,000 वाला, या फिर कोई पुराना सा लैपटॉप ले लोगे ना, उसमें भी भाई कोडिंग तो हो ही जाएगी। ठीक है ना, कोडिंग के लिए आपको क्या करना होता है, एक अपनी VS कोड चलाना होता है, बाकी कुछ वेबसाइट्स चलानी होती है, तो भाई वो तो बहुत आसानी से किसी भी लैपटॉप के अंदर चल जाएंगे। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है और आपको 4 साल के लिए लैपटॉप लेना है, तो थोड़ा सा आपको देख के लेना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लैपटॉप लेना चाहिए। ये नहीं सोच के लेना चाहिए कि मेरे को सिर्फ इसमें कोडिंग ही करनी है, क्योंकि भाई आगे काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप सर्किटल ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं तो भाई आपको सिम्यूलिंक, मैटलैब ये सब भी चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और साथ में काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग चीज़ें करते हैं, आगे सोसाइटीज़ का काम करते हैं, उसमें आपको एडिटिंग या फिर डिज़ाइनिंग करते हैं, तो फिर भाई थोड़ा सा हमें लैपटॉप ऐसा लेना चाहिए जिसकी थोड़ी सी स्पेक्स अच्छे हों और जिसमें आप और भी कुछ काम कर सको। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या स्पेक्स होने चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर, जिससे आइडियली आपके मोटे मोटे सारे ही काम हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कॉलेज के जो भी आपके सारे काम होते हैं वो सारे हो जाएँ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले रैम की बात करें तो भाई 8 GB से लेकर 16 GB तक आप ले सकते हो। ठीक है, रैम अगर आप 8 GB भी लोगे और फिर आपको बाकी सारी कोडिंग करनी है वो हो जाएगी, उसमें मैटलैब सिम्यूलिंक चलाना है, सब चल जाएगा 8 GB की रैम में भी। अगर आपके पास थोड़ा सा और बजट है तो आप 16 GB भी ले सकते हो। ठीक है ना, और जब भी आप रैम लोगे ना तो भाई एक्सपेंडेबल जरूर लेना, क्योंकि अगर आप बाद में चाहते हो कि अपनी रैम को बढ़ाना, तो आप एक्सपेंडेबल रैम होगी तो उसमें आप एक्सपेंड कर सकते हो अपनी रैम को। ठीक है, 8 से 16 या 32 तक लेके जा सकते हो। ठीक है ना, और अगर साथ में आपकी जो स्टोरेज है वो आपकी 256 GB होगी तो भी चलेगा। ठीक है ना, आपका जो सारे मोटे मोटे काम होते हैं, मैटलैब वगैरह चलाना, सब कुछ 256 GB में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपके पास थोड़ा सा और बजट है तो 512 GB आपको लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर अगर आपको एडिटिंग करनी है या फिर बाकी और भी चीज़ें चलानी है तो 512 GB में वो भी हो जाएगा। ठीक है ना, गेमिंग भी आपके थोड़े बहुत गेम चल जाएंगे छोटे मोटे। ठीक है ना, 512 GB तक में। एंड भाई आपकी मेमोरी जो है वो SSD होनी चाहिए, आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि SSD आपकी फास्ट होती है। ठीक है, आप अगर HDD ले लोगे तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं लैपटॉप्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुलने में टाइम लगाएगा और काफ़ी सारी चीज़ों में टाइम लगाएगा। ठीक है, तो SSD लेना। ठीक है, बाकी अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहते हो तो अपनी जो स्टोरेज है उसको बढ़ा सकते हो, 1 TB की HDD भी ले सकते हो, बट उसमें SSD भी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप एक ग्राफिक कार्ड भी डाल सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर। ठीक है, और पोर्ट्स ज़रूर चेक कर लेना, सारे पोर्ट्स होने चाहिए उसमें, C-टाइप पोर्ट्स हो। ठीक है, बाकी सारे जो पोर्ट्स ज़रूरी होते हैं वो सारे पोर्ट्स आपके पास होने चाहिए लैपटॉप के अंदर। मैकबुक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ती है इसकी कि पोर्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, बट अगर आप विंडोज़ ले रहे हो तो उसमें आपको मोस्टली सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे। एंड भाई जो भी आप लैपटॉप लोगे यार, उसकी कोशिश करना स्क्रीन थोड़ी सी छोटी लो। मैं जनरली स्क्रीन छोटी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि भाई उसमें कैरी करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अगर आप बड़ा सा लैपटॉप ले लोगे तो भाई बैग में आने में और भाई काफ़ी सारी दिक्कत होती है कैरी करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको साथ में मेटल बॉडी मिल रही हो तो भाई वो प्रेफर ज़रूर करना। ठीक है, किसी भी लैपटॉप में मिल रही हो, विंडो में मिल रही हो, मेटल बॉडी वैसे ज़्यादातर आपको मैकबुक में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, बट उसका थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है और आपको गेमिंग भी नहीं करनी है तो भाई मैकबुक मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मैकबुक की। ठीक है, आपको ले लेना है एक बार और फिर भाई काफ़ी सालों तक आपका लगभग सेम ही चलता रहता है, काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है भाई। बट अगर आपको भाई 4-5 साल चलाना है लैपटॉप, तो विंडोज़ भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है ना, तो भाई ये कुछ सारे स्पेक्स थे जो ज़रूरी मुझे लगे कि ये सारी चीज़ें आपके लैपटॉप के अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है ना, उसमें भाई आप अपना बजट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका 40,000 के आसपास का बजट है ना, तो भाई मेरे ख्याल से आराम से 8 GB रैम आपको मिल जाएगी और 256 GB तो आराम से मिल जाएगा, 512 GB भी मिल सकता है अगर आप 40,000 से थोड़ा 45 तक जा सकते हो तो। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से आइडियल होगा भाई सारी ही चीज़ों के लिए, चाहे आपको कोडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है और बाकी सारे मैटलैब वगैरह चलाने, तो भाई आपका जो सारा वर्क है इस लैपटॉप में आपका हो जाएगा, आपका जिसमें आपकी 8 GB तक रैम होगी और अपनी 256 या
512 GB मिनिमम अगर आपकी स्टोरेज होगी तो भाई। एंड भाई साथ में आपका प्रोसेसर है वो कम से कम i5 हो और Ryzen 5 हो तो अच्छा है, ठीक है। बाकी मिनिमम कोशिश करना 512 GB तक ही स्टोरेज लेना, क्योंकि अगर आप 256 लोगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाने के बाद 512 GB आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आइडियल स्पेक्स होंगे आपके लैपटॉप के लिए, और मैं आपको इसके साथ लैपटॉप्स भी सजेस्ट कर देता हूँ। एंड भाई इंटेल में ले रहे हो तो मिनिमम 10 जनरेशन तक रखना, बाकी आप 11 तक भी जा सकते हो, ठीक है। आपको 40-45 हज़ार में इन सारे स्पेक्स के साथ एक लैपटॉप बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें आपकी सारी ही चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी बैटरी लाइफ भाई बहुत अच्छे से देख के लेना लैपटॉप की, ठीक है, ये मत भूलना, क्योंकि भाई बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको जैसे कॉलेज कैरी करना होता है तो हर जगह यार पोर्ट्स नहीं होते हैं चार्जिंग के लिए, तो ठीक है, तो बैटरी लाइफ आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी लैपटॉप की उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा भाई। तो भाई सबसे पहले आपका बजट थोड़ा 40 हज़ार से भी कम है, 30 से 40 हज़ार के बीच में, तो भाई जो लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा वो मेरे ख्याल से वीवो बुक 14 आपके लिए सही रहेगा। इसमें आपको 8 GB रैम मिल जाती है, 256 GB आपको स्टोरेज मिल जाती है, ठीक है, आराम से। एंड भाई इसके साथ आपको HP का 15S भी इसी बजट रेंज में आपको पड़ जाएगा भाई, ठीक है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेस्ट लैपटॉप्स होने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी जो मैंने आपको स्पेक्स बताए हैं उतने स्पेक्स को मिनिमम रख के आपको इतने बजट में कोई लैपटॉप मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। बाकी 40 हज़ार के अंदर आपको लेनोवो का V15 भी अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। इसमें आपको 40 हज़ार के नीचे आपको सारे स्पेक्स मिल जाएंगे, लाइक आपको 8 GB रैम मिल जाएगी और 512 GB की आपको SSD भी मिल सकती है, ठीक है ना। बाकी 40 हज़ार के अंडर में आपको लेनोवो का V15 मिल जाएगा। इसमें आपको 8 GB रैम, 512 GB स्टोरेज मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको जनरेशन भी 5th तक मिल सकता है आपका, मतलब राइजन 5 तक मिल सकता है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ना तो 40 हज़ार के नीचे भी आपको 512 GB तक और 8 GB रैम तक आराम से लैपटॉप्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी अगर आपको इससे भी नीचे रेंज में जाना है तो फिर भाई उसके लिए आपको अपना प्रोसेसर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको i3 या राइजन 3 तक मिल पाएगा, ठीक है ना। अगर आप जा रहे होगे 40 हज़ार से लेके 50 हज़ार के बीच में तो भाई आपको, मैंने आपको जैसा बताया, सारी स्पेक्स आपको ऑलमोस्ट सही मिल रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रोसेसर आपको i5 राइजन 5 तक आराम से मिल जाएगा किसी भी लैपटॉप में, ठीक है। आपको 512 GB स्टोरेज मिल जाएगी। अगर इस रेंज में अगर आपको 16 GB रैम चाहिए तो HP का 15S है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, शायद वो उस रेंज का नहीं है, वो अपना 40 से 50 हज़ार के आसपास की रेंज का है, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको 16 GB रैम मिल जाएगी। बाकी वीवो बुक 15 हो गया। बाकी अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो गेमिंग के लिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ग्राफिक कार्ड अच्छा देख के, ठीक है। बाकी डेल का G15 आप ले सकते हो, under 70K तक आपको शायद पड़ जाएगा, ठीक है। और बाकी आप MSI के लैपटॉप्स ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप और आगे जाना चाहो तो भाई और तो आप जा ही सकते हो, अगर आपको ऑफिस वर्क है तो MacBook, वरना अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो भाई और लैपटॉप्स देख सकते हो आप विंडोज़ में, ठीक है। बाकी एडिटिंग करनी है और गेमिंग करनी है तभी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इतनी ऊपर रेंज पर जा रहे होगे, ठीक है। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जिससे आप अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप परचेज कर सकते हो, ठीक है भाई। तो फिर अब वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। यहाँ तक आगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।